Hello guys, welcome back to my channel. My name is Jay Manod. I'm a medical student by profession and a part-time YouTuber. So, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि एक्चुअल सिचुएशन मेडिकल स्टाफ की क्या हो रही है व्हाइल मैनेजिंग COVID-19. सो आप सभी को बताएं लास्ट ईयर दैट इज मार्च 2020 में COVID-19 इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ एंड नो वन हैड एनी आइडिया कि हम कैसे इस इन्फेक्शन को फाइट करेंगे. बहुत नया इन्फेक्शन है और इसके लिए कोई ड्रग्स अवेलेबल नहीं है. सो जो भी लोग सीनियर डॉक्टर्स दे केम टुगेदर एंड उन्होंने कुछ रेजिमेंट्स निकाले कि हाँ ऐसे ऐसे अगर किया जाए तो पेशेंट को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, पेशेंट को हम बचा सकते हैं. सारे केसेस एंड बहुत सारे आप सभी लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह वायरल वीडियोस देखे होंगे जिसमें बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे ही बाहर हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पे लेटे हुए, कुछ कुछ लोगों को बाहर ही मास्क लगाया गया है. अब लोग मेडिकल स्टाफ को ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ डॉक्टर बाहर से नहीं आके देख रहा है, उनके पास बेड नहीं है. ठीक है, सो अभी मैं रियलिटी आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी जो करंट सिचुएशन है जहाँ 2 लाख पर डे केसेस, मतलब पर डे मतलब 24 आवर्स में 2 लाख 3 लाख केसेस आ रहे हैं. वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बेड्स बहुत कम है. बिकॉज पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज या स्पेसिफिकली इंडिया की हम बात करें सो हम रेडी नहीं थे कि, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अचानक से इतने ज़्यादा पर डे केसेस बढ़ने लगेंगे. सो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अब इस इंस्पेक्टर्स को भी ह्यूज रिस्पेक्ट कि वो पूरा टाइम फील्ड पे होते हैं, सब लोगों को स्ट्रिक्ट रखते हैं, लॉकडाउन होता है तो इतना 24 आवर्स काम करता है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अभी हॉस्पिटल में ये सिचुएशन है कि वी आर लैकिंग बेड्स, हमारे पास वेंटिलेटर्स कम है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम है, हमारे पास ड्रग्स कम है. स्टिल गवर्नमेंट पूरी जी जान लगा रही है कि हमें ये चीज़ अवेलेबल करा सके एंड हम उन्हीं लोगों को एडमिट कर पा रहे हैं करेंटली जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो अब लोगों से यही दरख्वास्त है, लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम है प्लीज़ जाके एडमिट मत होइए. ठीक है, हम आप हमारे पास आओगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको एडमिट करें. ठीक है, हम कुछ कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि आपको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ होम ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं, बट स्टिल पेशेंट इतने पीछे पड़ जाते हैं कि वी हैव टू एडमिट एंड वी कैन नॉट डिनाई एनी पेशेंट कि हम तुम्हें एडमिट नहीं कर सकते. राइट, तो ये रही बात, तो ये पहली बात. दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि रिलेटिव पेशेंट को लेके आते इतनी सीवियर कंडीशन में कि भगवान भी ऊपर से आ जाए ना तो नहीं बचा सकते. तो यार हम तो यार डॉक्टर्स हैं, हम मेडिकल नर्सेज हैं. ठीक है, सो वी ऑल्सो हैव लिमिटेशन. हम भगवान तो नहीं कि हमको जादू करते और पेशेंट ठीक हो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है कि यही जब पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, जब हम उन्हें पहले इन्फॉर्म कर देते हैं पेशेंट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, और जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो रिलेटिव्स डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशन पर टूट पड़ते हैं उन्हें मारने पीटने जस्ट बिकॉज वी कुडंट सेव अ लाइफ. आई नो वो इंसान की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी उस इंसान के लिए, बट हमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है ना किसी इंसान को मरने देने में. राइट, वी ऑल्सो ट्राई आवर बेस्ट, मतलब करंट जितना भी कुछ अवेलेबल है हमारे पास उससे हम बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम पेशेंट को बचा सके, बट वो नहीं बच पाता है तो वी शुड नॉट बी ब्लेम्ड एटलीस्ट एंड वी शुड नॉट बी हिट. आप सभी को नहीं पता होगा कि जो लोग ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशनल ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कोविड में, जैसे कितने लोग हैं जो 1 साल से कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं डे नाइट शिफ्ट्स में, हॉस्पिटल में रह रहे हैं, हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं, दे हैव नॉट इवन मेट देयर फैमिली सिंस 1 ईयर. इजंट दिस क्रेजी? लोग अपनी खुद की फैमिली लाइफ, खुद की खुशियाँ, सब कुछ दाव पर लगा रहे किस लिए? आप लोगों की सुरक्षा के लिए. बट आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं. जिन लोगों को रिस्पेक्ट है आई एम वेरी थैंकफुल कि आप हमें रिस्पेक्ट करें, हमें सपोर्ट करें, बट जो लोग नहीं करते रिस्पेक्ट तो प्लीज़ इतनी सी चीज़ हम आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज रिस्पेक्ट. राइट, सो बस हम रिस्पेक्ट, हमें बस रिस्पेक्ट दीजिए. नेक्स्ट चीज़ मेरे सुनने में आई थी ऐसा था कि कुछ लोग कहते थे कि डॉक्टर कोई ऐसा इंजेक्शन दे देता ताकि पेशेंट मर जाए. I never understood this statement. तो मेडिकल प्रोफेशनल अपनी जान लगा के काम कर रहे हैं एंड यू पास अ स्टेटमेंट अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स कि हम ऐसा कुछ इंजेक्शन देते जिससे पेशेंट मर जाए.
why would we do that? मतलब हमें अगर मारना ही होता तो हम उन्हें एडमिट क्यों करते, हम उनकी केयर क्यों करते, हम डबल ड्यूटीज क्यों करते? रादर हम ड्यूटीज करते ही नहीं ना. अगर हम चाहते कि पेशेंट मर जाए, हम ड्यूटी क्यों करते? करेक्ट. सो ये पूरा वीडियो बनाने का इतना ही कंक्लूजन था कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो लोग कोविड के टाइम हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उनको बस इतनी सी रिस्पेक्ट देखो, बस इतनी सी रिस्पेक्ट. और फिर देखना जिस एंथुसियाज्म से ऑलरेडी वर्क कर, उससे डबल वर्क मेहनत करेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो नीड सम सपोर्ट. दे सी डेथ्स एवरी डे. पेशेंट जब से पेशेंट एंटर होता है ना हॉस्पिटल में और एडमिट होता है, पूरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स की होती है उसकी टेक केयर करना. और आप सभी को पता है कि कोविड पेशेंट जिसकी डेथ हो जाती है, उनकी बॉडीज फैमिली को नहीं दी जाती, ठीक है? रादर उनको पैक किया जाता है प्लास्टिक बैग्स में. वो कौन करता है? मेडिकल प्रोफेशनल्स करते हैं. रोज इतनी डेथ देखना, इट इज़ नॉट ईजी. लोगों को घर बैठे बैठे कमेंट पास करना इज़ वेरी ईजी, बट वेन दे कम इन एक्चुअल रियालिटी एंड वेन दे कम टू नो यार सिचुएशन, हाउ बैड द सिचुएशन इज, तब दे रियलाइज कि हाँ वो जो कमेंट पास कर रहे हैं दैट वॉज रॉन्ग. कितने डॉक्टर्स यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, कितने डॉक्टर्स रो रहे हैं बिकॉज देयर मेंटल हेल्थ गोज डाउन. लोग रिक्वेस्ट करें कि यार घर में रहो, प्लीज घर में रहो, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिशियल है. किसी की भी फैमिली में डेथ होती है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, एंड इट इज़ लाइक अ ट्रॉमा टू दैट फैमिली, राइट? एंड जब वो डॉक्टर्स उस बॉडी को पैक करते हैं ना प्लास्टिक बैग में, सो दैट इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट इवेंट अ डॉक्टर गोज थ्रू एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड. इट इज़ सेड दैट एवरी 4 सेकेंड वन कोविड पेशेंट इज बीइंग डेड. Please understand the seriousness of the situation and please stay at home. सब लोग आपको यही दरख्वास्त करेंगे. आप घर में रहोगे, केसेस कम होंगे, हर्ड इम्यूनिटी होगी, वैक्सीन्स लोगे, इम्यूनिटी और अच्छी होगी, कोविड का ये जो पैंडेमिक है धीरे धीरे कम होके सबसाइड हो जाएगा. जो आया है वो डेफिनेटली जाएगा एक न एक दिन. बस अभी हमें ये इतना ही करना है कि हम सभी को एक साथ वर्क करना है और सपोर्ट करना है जो ऑलरेडी फ्रंट लाइन पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? ताकि हम जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल सके और अपनी नॉर्मल जिंदगी फिर से रीस्टार्ट कर सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी कोई भी बात किसी को भी किसी तरह से हर्ट की तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बस मैंने जो कहा उसे ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाइएगा. थैंक यू सो मच.